तो राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो यार मेरा नाम है सुमित और आप मुझको जानते ही होंगे, ठीक है। सो गाइस, आज ना हम लोग आए हैं, गैस करो कौन सी जगह पर आए हैं। तो यार हम लोग आए हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में, बताऊंगा, इतने जल्दी नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में हम रुके हैं रूम में, मतलब गेस्ट हाउस में रुके हैं। रात में भाई हम लोग पहुँचे थे 2 बजे, 2 बजे हमको यहाँ पहुँचते गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते 4 बज गए, समझो 4 बज गए गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते। 2 घंटे का सफ़र ऐसा रहा है ना स्टेशन से लेके यहाँ तक का। तो टेंशन नहीं लेने का, हम इस बार हम लोग अकेले नहीं आए हैं, फैमिली को भी लेके आए हैं, पड़ोसियों को भी लेके आए हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला हम लोग थोड़ा ट्रिप घूमने का रखा है हम लोगों ने। तो गाइस चलो 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 जल्दी से फटाफट से हो जाते हैं तैयार। अभी मम्मी लोग हो चुकी हैं तैयार, मम्मी भी आई हैं, दीदी भी आई हैं, ठीक है। तो मम्मी दीदी तैयार हो गए, बढ़िया मंदिर निकल गई हैं और मैं अभी सो के उठाऊँ। देख लो गाइस, मम्मी है पीछे बैठी है और हमारा बेटू बैठा है पीछे, ठीक है। तैयार होते सबसे पहले फिर आपको ले चलते हैं फटाक से मंदिर। मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ दिखाऊँगा आपको, ठीक है। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से। गाइस हियर वी गो, हम हैं प्रेम मंदिर में, प्रेम मंदिर जा रहे हैं हम लोग गाइस, सीधी सी बात। अभी हम लोग बस में हैं, हेलो तुम भी आ जाओ। सो गाइस हम लोग हैं मथुरा वृंदावन में घूमने आए, और ये प्लान मेरी मम्मी का था सही बताऊँ तो मम्मी भी साथ में आई है मेरे साथ में। हाय हाय करो, हाय। मम्मी बैठी है देखो सामने, मम्मी का प्लान था घूमने का, बहुत ज़्यादा आबादारी ना बस में, वहाँ पहुँच के ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ वही। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है सही बता रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली हमें वृंदावन के लिए बस मिल गई, बहुत देर से हम लोग ढूंढ रहे थे कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कुछ तो मिले, ई रिक्शा मिल जाए, ई रिक्शा से होते हुए चले आएंगे। लेकिन गाइस बड़ी मुश्किल में ना ये बस मिली। आप प्रेम मंदिर बोल तो रहे हो, आपको प्रेम मंदिर उतारेंगे, प्रेम मंदिर जाएगी गाइस। पहली बार जा रहा हूँ भाई, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ सही बताओ, मेरा पहली ही बार ही है ये। उज्जैन की ट्रिप के बाद सीधा मम्मी ने तो एक दिन का रेस्ट देने दिया, और हाल क्या लगा कि चलो भाई वृंदावन चलते हैं। ये तो बस में ही सो गया मेरे साथ, बैठ लेटे लेटे बैठे बैठे गया था, गर्मी की वजह से सो गया भाई। उठ जा बेटू, बेटू उठ जा, सो गया गाइस। ये तो बस में ही सो गया मेरे साथ, बैठ लेटे लेटे बैठे बैठे गया था, गर्मी की वजह से सो गया भाई। उठ जा बेटू, बेटू उठ जा, सो गया गाइस। हम लोग बड़ी देर के बाद आ चुके हैं प्रेम मंदिर, जैसा कि देख सकते हो आप तो। ओ भाई साहब कितना ही तो क्यूट लग रहा है, कितना ही तो प्यारा लगता है ये, देखो इधर आ जाओ इधर, ये भीड़ देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ अभी हम अंदर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बाहर से तो इतना प्यारा लग रहा है ना, लिटरली गाइस मैं फर्स्ट टाइम। चलो अंदर चलते हैं, गलत थिंग हो चुकी है हमारे साथ, मंदिर जो है वो 4 बजे खुलेगा और अभी बज रहा है 1। भाई साहब 3 घंटे तक कहाँ वेट करेंगे, तो सोचा कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद 4 बजे जाएंगे मंदिर। अभी वहाँ जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है ना, चल के आइसक्रीम अभी खाना है, नहीं आइसक्रीम खाना है देखो, नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। गाइस इन्हीं लोगों ने कहा था कि मुझे मथुरा घूमना है भाई, मैं तो मना कर रहा था लेकिन यार ये लोग मान ही नहीं सकते, मैं क्या बताऊँ। देखो गाइस वैसे कुछ हो ना हो मुझे ज़्यादा सही लगा, बेटू के लिए ले लो, हाँ दोनों के लिए ले लो,
भाई हर 2 मीटर पे ना अच्छे अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे हैं, जो आप लिटरली कभी एक बार अगर घूमना चाह रहे हैं आप वहाँ ना, आपको अगर चांस मिले तो प्लीज़ आओ घूमने, ठीक है। बाकी मैं भाई 4 बजे मंदिर खुलेगा, मंदिर की वजह से ना हम लोग रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा रहे हैं, और मम्मी देखो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा, झांसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी है, और रेस्टोरेंट में बैठ के टाइम बिता रहे हैं अपना, सबके सब बैठे देखो लाइन से, सबके सब पूरी पलटन को लेके आए अपने बैठो भाई, खाना खाते हैं और चलते हैं मंदिर घूमने। सर फाइनली मंदिर के अंदर हो चुका है प्रवेश, और मम्मी जी देखो फोटो खिंचवा रही हैं, खींच जल्दी फोटो खींच मम्मी की, खींच दी। देखो गाइस मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, अरे हाय 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 हाय, और ये रहा मेन मंदिर भाई, क्या ही तो प्यारा लग रहा है भाई, होए होए। सो गाइस इसको कहते हैं प्रेम मंदिर, समझ रहे हो, इसको कहते हैं प्रेम मंदिर। अभी तो भीड़ देख सकते हो आप, भीड़ देखो भाई लिटरली यार कितना अमेजिंग है। और यहाँ पे देखो मम्मी पसीना पसीना हो गया भाई, पूरे 3 घंटे से बैठे हम लोग बाहर, 3 घंटे से आखिरकार प्रेम मंदिर घूम ही लिया। गब्बर सिंह को देख रहे हो, सब पसीने से बह गए पूरे। और बाकी ये गार्डन है भाई यहाँ का, घूम लिया भाई, मज़ा आ गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। चलो भाई अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई थोड़ा पास से, और यहाँ से तो आपको दिखाई दिया, बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, अंदर जाके तो और ही ज़्यादा प्यारा है। चलो भाई चलते हैं अंदर, बड़ा डर लग रहा है, आगे आगे चल रहा है ये, सुन ले पीछे पीछे माँ है, पीछे है माँ, पीछे है माँ, माँ के पास जा भाई, इसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या भाई, देख रहा हूँ इतनी भीड़ में व्लॉग बना रहा हूँ, इतनी भीड़ में यार, एक लाइक तो कर ही देना वीडियो में, और बने रहो वीडियो हैं, देख रहे हो गब्बर सिंह क्या बोल रहे हैं, कमेंट कर देना कमेंट कर देना। मम्मी लोग को तो आ जाने दो यार, मम्मी लोग को आ जाने दो, मम्मी 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 बोल दोबारा, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को बोलते हैं बाबू, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो शर्म आ गया। मम्मी लोग कहाँ रहेगी यार, बहुत टाइम हो गया, वो अपन को ही ढूंढ रही हूँ। चलो गाइस मम्मी लोग फिर खो गई, 3 बार खो चुके हैं भाई सुबह से यार, इतना कृपालु वंदे जगत, अरे भाई पता नहीं क्या लिखा है मैं अनपढ़ हूँ भाई, सही बताऊँ तो संस्कृत में लिखा है, आई डोंट नो क्या लिखा है, मैं पढ़ू भाई, यहाँ ना पसीना बहुत है, गर्मी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और 2 घंटे से बाहर बैठो तो दिक्कत भी हो रही है। देखो मम्मी, देखो मम्मी सब बता रही हूँ गाइड की तरह, दर्शन कर रहे हैं, चलो तो चलो, अरे इतना भीड़ नहीं लगेगी यार, इतना भीड़ नहीं लगने वाली, फाउंटेन भी है तो। ये रहा रथ, आई डोंट नो ये किसका रथ है, लेकिन ये रथ है भाई, सब चीज़ें एक्सप्लोर करना है, ये कौन था भाई, आई डोंट नो, वाओ रियलिस्टिक रथ है तो आर्टिफिशियली, बट लग रियल है बिल्कुल। घोड़े कितने थे, 1 2 3 4 घोड़े थे भाई, कमेंट करके बताओ ये कौन थे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ना कृष्ण जी डांस कर रहे हैं राधा रानी के साथ, सारे स्टेप्स बताए गए यहाँ पे, फोटोज खींची जा रही है, कैसा लग रहा है मम्मी, अच्छा लग रहा है, गर्मी लग रही है वो अलग, फूल भी बड़े बड़े प्यारे लगे हैं। मम्मी ये एक फूल फूल उखाड़ के ले चले यहाँ से क्या बैठोगे घर पे, घर घर ए चोरों वाले काम करवा लो बस तुमसे। यो वाओ, वैसे छत पे अच्छे लगेंगे, तेरा मन तो है उखाड़ने का, क्या करूँ मैं। ये चीज़ देखी है आपने कभी, सांप वाला पेड़ देखा है, सांप वाला पेड़, ये देखो गाइस, ओह शिट भाई बच गया मैं, मेरे को करंट लग जाता वरना, वो सब छोड़ो, ये पेड़ देखो यार कितना प्यारा पेड़ है, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके खा है कृतपालू, यस तो सेंसेशन सही किया मैंने, जो भी है आई डोंट नो। हमारे शिव जी
वो जैन से यहाँ पर भी आ गए, वो तो उन्हीं की ब्रह्मांड भी उन्हीं का है, तो वो सब जगह ही मिलेंगे तुम्हें। यहाँ तो छोड़ दो यार, शिव जी को तो अकेला छोड़ दो। और चीज़, ये पर्वत है जो कि कृष्ण जी ने उठाया था, ये देखो सबके सब पीछे देख सकते हो। यू नो ये उनके फ्रेंड्स, ये गाँव वासी है। स्टोरी देखी होगी मैंने, कार्टून स्टोरी देखी है, बाकी तो कुछ नहीं देखा। ओहो, आई थिंक ये रियल टाइप बनाया गया है, बट रियल नहीं है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। देख सकते हो भाई, मन तो कर रहा है भाई ये जो पानी बीच में भरा हुआ है ना, कूद के नहाने का, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कूद के नहीं नहा पाएंगे, पुलिस वाले बहुत मारेंगे भाई। रानी भाई मस्त मस्त पोर्ट्रेट बनी है इन लोग की, सही बताऊँ आर्टिफिशियल पोर्ट्रेट, मस्त लग, मज़ा आ रहा है भाई देख। अरे दादाजी कैसी बात करते हो, पैर पे पैर रख देते हो, कोई बात नहीं। ओ भाई गुरुजी, हेलो दोस्त, कैसे हो? बढ़िया मस्त, ठीक है भाई। खींचो खींचो खींचो, फोटो खींचो। ओ वाह, मम्मी बुला रही है वहाँ पे, मम्मी पता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं मेरे पे, मेरे को क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ यहाँ से, वहाँ घुस रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। क्या कह रही थी मम्मी? चलो फिर मंदिर हो जाएंगे, फिर आके चलूँगी। मंदिर में तो वीडियो बना नहीं पाएंगे, पता नहीं, देखो बना नहीं देंगे। मंदिर के अंदर घुस चुका हूँ मैं, देख सकते हो, और वो रही राधा रानी की फ़ोटो, दिख नहीं रही होगी, फट रहे होगे पिक्सल, क्योंकि मैं बहुत दूर से फोटो ले रहा हूँ, मैं गेट पे खड़े होकर खींच रहा हूँ। प्रणाम कर रही है कृष्ण जी को। चलो, ओ वाह यार, क्या ही तो इंटीरियर डिजाइनिंग है, मस्त 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 मस्त, एकदम मस्त कैलेंडर यार, ताज वाली फीलिंग आ रही भाई, ताज वाली बिल्कुल, ऊपर ताज वाली फीलिंग आ रही ना, बिल्कुल 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 भाई, ताज वाली फीलिंग आ रही है पूरी, वाह यार मजा आ गया भाई, ये ट्रिप वर्थ इट तो है, और फैमिली के साथ जाओ तो वो तो भाई अलग ही है, अलग ही सीन समझ में आता है, समझ रहा हूँ, मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा भाई। मेरे को तो एक बार ताज होटल की याद आने लगी, सही बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई ताज होटल भी गया है यार, ऐसी बात नहीं है, ब्लॉग नहीं बनाया वो बात अलग है। तो समाज की संस्कृति देख लो भाई, देख लो भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई निकल जाओ कहीं ना कहीं ट्रिप पे, निकल जाओ, ये झूमर देखो, ओए व्हाट्सअप, कैसा लग रहा है मम्मी जी? बहुत सुंदर लग रहा है भाई, सही बता रहा हूँ, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है भाई, ऐसे उल्टा सीधा घूम रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों घूम रहे थे उल्टे बताओ? सुरेश प्रेम मंदिर घूम लिया, अभी जस्ट उसी के सामने बैठे हैं, सबकी पूरी पंटन बैठी हुई है देखो, और बस अब कुछ नहीं, घर पे जाएंगे, वह बस क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दो दिन हो गए हमको। हाँ देख ले देख ले देख ले, घूम लिया भाई, इससे ज़्यादा नहीं घूमना, घूम लिया, हालत डाउन हो गई गई मेरी तो, कितने में ही। चलो भाई बस हमारी ट्रेन है 9:00 की, तब तक हमको यहाँ पर टाइम पास करना है, तो अभी जाएंगे स्टेशन, और स्टेशन से पकड़ेंगे ट्रेन और सीधा झांसी, रात में आई थिंक 2:00 तक पहुंच जाएंगे, और सुबह दूसरा नया ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वक्त है घर पे जाने का, वापसी का हमारी, मम्मी मम्मी सब लोग परेशान हो गए थोड़ा सा, चिंता करो। सो चलो भाई इस घर पे चलते वापस, और हमारी ट्रेन भी आने वाली है, हमको हाफ एन आवर लगेगा पहुँचने में बस स्टैंड, सो बस स्टैंड ही स्टेशन रेलवे स्टेशन, तो पहुँच के साथ ही हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन, और ट्रेन पकड़ के सीधा घर पे। बाकी व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छा लगा ही होगा क्योंकि इतने प्यार से जो बनाता हूँ, एक लाइक कर देना, बाकी ये देखो यार, वाओ, सो
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर आ देना वीडियो को, कमेंट करना मत भूलना। बाकी मैंने अच्छी चीज़ दिखाई ना आज इस बार ही ब्लॉग में, बाकी तो मैं ब्लॉग दिखाता ही हूँ अच्छी ब्लॉग, बट अच्छी चीज़ है, बट आप लोग ना लाइक वगैरह नहीं करते, तो लाइक कर देना वीडियो को। और मिलते हैं घर पर पहुँचने के बाद, क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो गई डेड, जानते हो यार आईफोन बिल्कुल नहीं चलता, अब मैं प्रेफर नहीं करूँगा भाई, लास्ट टाइम आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद भाई आईफोन नहीं, S22 चलाएंगे बाकी कैमरे के मामले में, या फिर GoPro यूज़ किया जाएगा बस। चलो मिलते हैं, मम्मी बाय कर लो, ठीक है, घर पे मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय, राधे राधे।